हेलो बच्चों, आई होप योर प्रैक्टिकल प्रिपरेशन इज इन प्रोग्रेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बायोलॉजी प्रैक्टिकल का जो राइटिंग पार्ट है। तो आपको राइटिंग पार्ट जो करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कौन से क्वेश्चन में आने वाले, स्पेशली कौन से स्पॉट्स आने वाले। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट आएगा। ओके, अगर उसमें ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन आपको प्रिपेयर करना है, बिकॉज फ्रॉम दैट ऑप्शन एनी वन विल बी आस्क्ड टू यू। ओके, और उसमें क्या लिखना है, बेसिकली क्या करना है, शॉर्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आपका स्कीम क्या है। देखिए, ओके, तो पहला क्वेश्चन मेजर एक्सपेरिमेंट है 4 मार्क्स के लिए, फिर दूसरा माइनर एक्सपेरिमेंट 2 है, उसमें पहला वाला 3 मार्क्स के लिए, फिर दूसरा भी 3 मार्क्स के लिए है। स्पॉटिंग खाली आपको 4 रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो अभी तक जो भी स्पॉट्स आपने स्टडी किया है वो 10 स्पॉट है, तो उसमें से हम लोग खाली 4 हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। ओके, और यही एग्जाम में आएगा, तो इन्हीं 4 स्पॉट्स को अभी आप प्रिपेयर करना, ठीक है। अभी स्पॉट ए में क्या क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, वो ध्यान देना हो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, और पॉसिबल होगा तो हम लोग पीडीएफ पे भेजेंगे, नो प्रॉब्लम। कह रहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उतने ही स्पॉट्स को स्टडी करना, और स्पॉट में क्या रहेगा, पिक्चर रहेगा, वो भी आज के इस वीडियो में आपको दिखेगा। ओके, 10 मार्क्स। ओके, ना फिर प्रोजेक्ट जो पहले डिस्कस किया है, 5 मार्क्स आपका सबका प्रोजेक्ट जो है रेडी होगा। उस पर भी थोड़े से ओरल आपको पूछेंगे, तो थोड़ा सा उसका भी प्रिपरेशन कर लेना। प्रोजेक्ट का इवन ईवीएस का, इवन यहाँ पे मैं ईवीएस का भी बोल रहा हूँ, ईवीएस का जो आपने प्रोजेक्ट और सेमिनार किया है उसको भी ठीक से रीड करना, क्योंकि ओरल में हम सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई व्हाट प्रोजेक्ट यू मेड, उसका पर्पस क्या है, कंक्लूजन क्या है। ओके, अंडरस्टूड। तो डोंट यू कैन सी वरी अबाउट दैट ओरल पार्ट। ओके, नाउ फिर वाइवा बेस्ड ऑन फर्स्ट 4 एक्सपेरिमेंट। तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपको भेजा, उसमें सब मैंने डिटेल में ये बताया वाइवा में क्या क्या पूछते हैं। जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसी से बेसिस यू कैन सी सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, और जर्नल अगर आपका कंप्लीट है, ओके, अच्छे रिमार्क्स आपको है, तो आपका 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह टोटल 30 मार्क्स यू विल गेट इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और 30 मार्क्स सबको मिलना चाहिए। तो टारगेट है 30 मार्क्स सबको किसी भी हालत में मिलना चाहिए। और आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि हर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है, फर्स्ट 4 एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है। ओके, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपने पहले लिख चुके हैं, वाइवा विल बी बेस्ड ऑन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, और जर्नल आपका कंप्लीट होगा। ओके, कुछ स्टूडेंट जो है अभी भी उन्होंने जर्नल सबमिट नहीं किया है, तो जर्नल कंप्लीट कीजिए। ओके, एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन जब दिन रहेगा उस दिन सबमिट कीजिए। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन 1 मेजर एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक ही क्वेश्चन, सब स्टूडेंट्स को एक ही एक्सपेरिमेंट करना है। देखो, 2 ऑप्शन थे, डीएनए वाला, तो हम लोग डीएनए का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 1 मेजर एक्सपेरिमेंट में आपका खाली क्या है, आपका डिस्प्ले ऑफ द फ्लावर। तो आप सबको लाना है कौन सा फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर, है ना, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, तो हिबिस्कस फ्लावर आपको लाना है जासवंत का। और कौन सा स्टैंडर्ड फ्लावर लाओ, 5 पेटल्स वाला, 5 पेटल्स वाला। ओके, तो पहले से अरेंज कर लो। ओके, तो उसको आपको डिस्प्ले करना है, खाली यही ओनली फ्लावर का डिसेक्शन सबको आएगा। ओके, अंडरस्टूड। और चाहे तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। तो इसके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओके, तो जनरली यू कैन सी 1.5 मार्क्स आपको मिलेगा फॉर डिस्प्ले करने के लिए आपको मिलेगा। ओके, और फिर यू कैन सी व्हाट 1 मार्क्स फॉर, यू कैन सी उसका लोग जो एक्सप्लेनेशन दोगे उसके लिए आपको मिलेगा। ओके, और फिर रिमेनिंग कितना हो गया आपका, 1.5 मार्क्स फॉर यू कैन सी व्हाट ऑब्जर्वेशन राइट अप, मतलब जो राइट अप जो पेपर में आप लिखोगे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो देखो, तो डिस्प्ले में आपको देखो क्या करना है, फ्लावर के सारे पार्ट्स को प्रॉपर एक पेज, जो आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, क्वेश्चन पेपर के बैक साइड पे आपको पहले बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। ओके, और उसमें आपको प्रॉपर जगह पे ये सारे पार्ट्स, एपिकैलेक्स यहाँ पे डिस्प्ले होगा, फिर कैलेक्स, फिर करोला, 5 ही। अगर देखो आपने गलती से मल्टीपल पेटल वाला फ्लावर लाया तो उसके 5 पेटल्स को डिस्प्ले करना, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। और बताया था गाइनेशियम अगर टूट गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको फिर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज अरेंज कर लो, अंडरस्टूड, समझो, गॉट इट। तो ये आपका डिस्प्ले पार्ट है, और अगर फिर राइटिंग पार्ट, मतलब आंसर पेपर पे आपको फिर ये लिखना है, तो ओके, अंडरस्टूड। और इसी पे देखो, आपको ओरल भी इसी पे ही याद करके पूछेंगे, गिवन फ्लावर उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम लिखना है, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, चाइना रोजा जासवंत है, उसका फैमिली का नाम, फ्लोरल फॉर्मूला ये अच्छी तरह कर लेना। ओके, उसका टाइप क्या है, कंप्लीट, पेडिसलेट, ये मैंने जो वीडियो मैंने भेजा है उसमें भी दिया है। ओके, तो सेम बस इसको आप बाहर करो, क्योंकि यही आप सबको लिखना है, ठीक है, अंडरस्टूड, समझा बच्चों। बस इतना आप देखो स्क्रीनशॉट ले लो, भैया आपको आंसर पेपर पे ये लिखना है डिक्टो। ओके, ये हो गया क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में सबको फ्लावर ही आने वाला है, ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन 2 माइनर एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी एक ही क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें 2 ऑप्शन थे,
एक पोटेटो ऑस्मोस्कोप का एक्सपेरिमेंट और दूसरा आपका पॉपुलेशन एकेंसी डेंसिटी निकालने, तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको खाली पोटैटो का ऑस्मोस्कोप बना, तो यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा जो मैंने हमने बोला है पोटैटो लेके आना, पोटैटो ब्रिंग पोटैटो, और एक मीडियम साइज का यू कैन सी पोटैटो लेके आना, मीडियम साइज का, मीडियम साइज का, और थोड़ा हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट वाला नहीं लाना, नहीं तो क्या होगा अगर आप उसको शेप देने की कोशिश करोगे तो वो टूट सकता है। ओके तो दो लेके आओ क्योंकि एक अगर खराब हो गया तो दूसरे से करेंगे। ओके तो आपको सेटअप करना है, ओके अंडरस्टूड, और फिर यू हैव टू यू कैन सी कीप इट, और अगर पानी का लेवल बढ़ गया तो यू हैव टू शो इट। ओके तो इसमें भी तीन मार्क्स कैसे होगा, एक मार्क्स आपको नेचुरली डिस्प्ले करने के लिए, मतलब प्रॉपर डिस्प्ले करके, फिर एक मार्क्स आपका ऑब्जर्वेशन, और एक मार्क्स आपका कंक्लूजन रिजल्ट, ओके से आपको मिलेगा। ओके तो तीन मार्क्स आपके पॉकेट में होने चाहिए, ठीक है। अभी कमेंट में देखो आपको एम लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है, तो सेम डायग्राम, ओके आपने जर्नल में लिखा है सेम डायग्राम लिख रहे, मतलब हर एक्सपेरिमेंट के लास्ट पेज में मैंने आपको जो कमेंट सेक्शन दिया था वही आपको एग्जाम में लिखना है, ये डायग्राम अच्छी तरह को, और यही सेटअप है, देखो इस तरह आपको सेटअप करना है। ओके अंडरस्टूड। अंदर क्या डालेंगे, ध्यान देना, अंदर आपको डालना है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, और बाहर आपको कलर्ड सोल्यूशन डालना है, डायल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो फिर से देखो ये डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ओके तो आपके जर्नल में भी उसी हिस्से को टिक करो, और देखो क्या करना, अभी जब टाइम मिलेगा तो ये जो भी जितना आपको हर क्वेश्चन में आपको लिखना है ना उसको फुल स्क्रिप्ट में लिख लो, तो आपको क्या जर्नल को पलटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बार बार, ओके जस्ट राइट अप इन फुल स्क्रिप्ट पेपर, दो तीन पेज में आपका सारा राइट अप हो जाएगा, फिर ऑब्जर्वेशन और आपका इन्फ्रेंस रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन में अगर आप ये डी पॉइंट पे लिखते हो दैट इज ऑल्सो इनफ, ओके डी पॉइंट ये भी अगर आप लिखोगे, अगर याद नहीं आ रहा है तो खाली डी पॉइंट पे लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया ऑब्जर्वेशन और ये हो गया कंक्लूजन, द सेम थिंग विच वी हैव रिटन इन द जर्नल, ओके बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, कहीं पे भी प्रोसीजर वगैरह रिक्वायरमेंट वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना है। चले भाई आज तक क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे आपको ऑप्शन है, तो आधे स्टूडेंट्स को सॉइल सैंपल का टेस्ट होगा, आधे स्टूडेंट्स को वाटर सैंपल का टेस्ट होगा, दो वैकेंसी सैंपल ए और बी आपको दिया जाएगा, और बेसिकली इसमें जनरली खाली कोशिश करेंगे खाली पीएच देने का, ओके आंसर्ड दोनों का आपको पीएच, तो वाटर का पीएच एकदम इजी है, पीएच पेपर डालो है ना, और फिर ऑब्जर्वेशन टेबल आपको लिखना है, ठीक है। और सॉइल के लिए आपको क्या है, सॉइल सैंपल लेके उसमें पानी ऐड करके उसको शेक करना है, सॉल्यूशन बनाना है, फिर सॉइल जब सेटल हो जाएगा फिर ऊपर वाले पानी का आपको क्या है पीएच देखना है, ओके ठीक है। तो अगर आपको सॉइल टेस्ट है देखो सेम जो कॉमेंट में लिखा था, एम लिखना है, यहाँ पे भी देखो आपका मार्क्स कैसे होगा वो बता देते हैं, एक मार्क्स, तो वन मार्क्स फॉर डूइंग, वन मार्क्स फॉर डूइंग, ओके मतलब एक्सपेरिमेंट डूइंग एस्पेक्ट, वन मार्क्स फॉर ऑब्जर्वेशन टेबल, और वन मार्क्स फॉर वॉक कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखो आपको दोनों सैंपल को कंपेयर करना है, कंपेयर, ओके वर्किंग डूइंग मतलब, और वर्किंग मतलब आपको करके दिखाना है, तीनों एक्सपेरिमेंट आप करके दिखाओगे तो वन मार्क्स तो आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। उस पर गलती, और गलती भी अगर हो गया तो यू शुड नो कि गलती कैसे हो गया, ठीक है। तो सॉइल सैंपल दो देंगे तो एम ऐसा लिखना है, तो कंपेयर द पीएच एंड सॉइल टाइप, हो सकता है सॉइल टाइप आपको नहीं पूछे, तो अगर खाली पीएच बोलेंगे हम लोग तो खाली पीएच का ही एक टेबल बना देना है, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यूज, ये आपको पहले भी जर्नल में भी आपने सेम लिखा होगा, तो आपको कंक्लूजन में दोनों सैंपल के नेचर को उसके टाइप को लिखना है, और फिर ये फाइंड करना है कि कौन सा सैंपल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, तो एग्रीकल्चर के लिए जनरली न्यूट्रल नहीं तो स्लाइटली अल्कलाइन रहेगा तो वो सूटेबल रहेगा, ओके। और फिर वाटर सैंपल टेस्ट के लिए भी सेम, दो वाटर सैंपल देंगे आपको, पीएच और क्लैरिटी जो है उसका टेबल बनाना है, ओके। और फिर रिजल्ट में आपको दोनों सैंपल को कंपेयर करना है कि इन दोनों सैंपल में से कौन सा पीने लायक है, नहीं ओके। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन हमने दिया था कि अगर दोनों टर्बिड है, दोनों का पीएच एकेंसी 7 से कम या ज्यादा है तो पीने लायक नहीं है, ओके। अगर सैंपल का पीएच 7 है और क्लियर है तब वो पीने लायक हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो ए सैंपल का पीएच 7 है और वो क्लियर है मतलब वो पीने लायक है, और बी सैंपल का एसिडिक पीएच है वो टर्बिड है, ओके तो पीने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3। तो इवन जब आप एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिकल रूम में आओगे एक्सपेरिमेंट, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन फिर से हम लोग बताएंगे आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉट एग्जाम, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो इसके लिए अपना प्रिपरेशन जो है, ये राइटिंग पार्ट जो है वो आप करके रखो, ठीक है। अब स्पॉट्स, जो स्पॉट्स है जो होगा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में स्पॉट्स है, तो पहले स्पॉट जो है कौन सा वाला है, वो है आपका पॉलिनेशन वाला स्पॉट, तो मेज फ्लावर नहीं तो सेल्विया फ्लावर रखा होगा, ओके। सो अभी मेज फ्लावर में सैंपल क्या रखेंगे आपके सामने, तो दोनों में से कोई एक, हर स्टूडेंट जो भी हर बैच में
दोनों नहीं आएगा, यानी कि एक बैच को अगर मेज फ्लावर दिया गया तो दूसरे को हम लोग साल्विया का फ्लावर देगा। अभी साल्विया का फ्लावर अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे हम लोग खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए कलर्ड फ्लावर जैसे हिबिस्किस रखेंगे। ओके, जैसे अब देखो ये हमारे लेबोरेटरी में है। ओके, ये है मेज प्लांट, ये रखा होगा, यानी कि देखो स्पॉट ए पे आप बैठे हो, स्पॉट ए पे या तो ये रखा होगा, अंडरस्टूड, समझा? तो ये है, तो मतलब ये मेज प्लांट है। ओके, तो आपको मेज के बारे में लिखना है। तो दो एस्पेक्ट है आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको, देखो हाँ स्पॉट के लिए अभी आपको बताते हैं कि किसी भी स्पॉट के दो एस्पेक्ट है, आइडेंटिफिकेशन आपको लिखना है, आइडेंटिफिकेशन मतलब हेडिंग, मतलब ये क्या है, प्रॉपर हेडिंग जो अभी आपको बताएंगे सेम वैसे लिखना है दूसरा, और फिर कॉमेंट या डिस्क्रिप्शन, उसके लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल 2.5 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये अगर आपके टेबल में रखा हुआ है, स्पॉट ए पे देखना, स्पॉट ए पे ये रखा है मतलब मेज प्लांट है, उल्टा पुल्टा कर दिया तो जीरो मिलेगा, तो आपको आइडेंटिफिकेशन में हेडिंग देना है मेज फ्लावर शोइंग विंड पॉलिनेशन। ओके, और फिर कॉमेंट में आपको लिखोगे, देखो ये है कॉमेंट में मिनिमम पॉइंट्स 5 पॉइंट दिया है, कम से कम 4 इसमें से आपको लिखना है बच्चों। ओके, अंडरस्टूड, तो ध्यान देना। ओके, फिर तो या तो स्पॉट ए में मेज होगा, नहीं तो हम लोग सेल्विया का फ्लावर अगर अवेलेबल होगा वो, नहीं तो आपको हिबिस्कस का फ्लावर एक ऐसे दे देंगे, तो आपको नेचुरली फिर लिखना है सेल्विया, साथ में ऐसा लिखो सेल्विया और एक ऐसे साथ में ऐसा लिख देना सेल्विया और हिबिस्कस, दोनों लिख दो। ओके, सेल्विया और हिबिस्कस इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है, और फिर उसका कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, सेल्विया के बारे में ही लिखोगे। ओके, अंडरस्टूड, सेल्विया के बारे में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि सेल्विया फ्लावर अगर अवेलेबल नहीं हुआ एट द टाइम एग्जाम, तो हम लोग उसकी जगह पे एक कोई भी कलर्ड, कोई भी हो सकता है, अगर हिबिस्कस नहीं होगा कोई कलर्ड फ्लावर रखेंगे, तो आपको लिखना क्या है, ध्यान दो, आपको सेल्विया ही लिखना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है। ओके, तो सबका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके जर्नल में आपने लिखा है, बस यही दो एक्सपेरिमेंट जो स्पॉट ए में, इन दोनों में से कोई एक आएगा, मेज आएगा नहीं तो सेल्विया आएगा। ठीक है, चलो फिर स्पॉट बी में कौन सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपका ओव्यूल, बस एक ही ओव्यूल, ओव्यूल वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, अब देखो ओव्यूल वाला एक्सपेरिमेंट, स्पॉट एक्चुअली हमने जो पढ़ा है स्पॉट किस में पढ़ा है, ई में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे अभी स्पॉट बी में ओव्यूल का फोटो रखा होगा, ओव्यूल का फोटो जो आपके देखो थियरी में भी है, और हमने वही स्पॉट रखे हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो आपको थियरी में भी क्या है आने वाले हैं, सो दैट आपका थियरी का भी कम से कम एक ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो एनाट्रोपस ओव्यूल देखो अभी पेपर में भी आया था। ओके, तो अब देखो, तो ये अगर हाँ, तो यही पिक्चर देखो जो मैंने अभी तैयार किया है, यही आपके स्पॉट बी, जहाँ पे स्पॉट बी होगा रखा होगा, लेकिन हाँ इसका कैसा सबको यही आने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, कमेंट ऑन द टाइप ऑफ ओव्यूल एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स, तो कुछ पार्ट्स को हम लोग एरो करके रखेंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ओव्यूल का डिस्क्रिप्शन देना है आपको, और साथ में जो पार्ट बोला होगा ए बी सी डी। ओके, तो आपका हेडिंग जो है आइडेंटिफिकेशन में आपको ये लिखना है वी एस एनोट्रोपस ओव्यूल, जो इन्वर्टेड ओव्यूल है, ये आपका हेडिंग मतलब आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, फिर कॉमेंट अभी साथ में एरो, तो अब देखो बहुत सारे एरोस रहेंगे। ओके, दीज आर द पॉसिबल एरोस, तो आपको इनमें से मतलब कोई भी दो एरो होगा इसमें से, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे ए क्या है बच्चों, ए क्या है, ए है एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है ए। ओके, बी क्या है, बी है फनिक्यूलस, बी फनिक्यूलस है। सी क्या है, सी है माइक्रोपाइल, ठीक है, देन डी क्या है, डी है आपका न्यूसेलस, देन ई क्या है, ये इंटीग्यूमेंट है, इंटीग्यूमेंट, एंड एफ क्या है, देखो एग सेल है ना, या एग एपरेटस लिखेंगे तो भी चलेगा, एग एपरेटस है। तो उसमें से कोई भी दो या तीन जो भी होगा वो एरो किया होगा। ओके, अब यहाँ पे तो मैंने एक ऐसे अपना ग्राफिकल किया है, हम लोग मार्कर से करेंगे एरो। ओके, और भी देखो बहुत सारे पॉइंट है, ये होगा तो ये चलाजा है ना। ओके, सारे पार्ट, क्योंकि देखो थेरी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये आपका अपना रैफ है ना, तो ये अगर दिया होगा ये आपका एक ऐसे हाइलस है, ठीक है ना, तो जिस पार्ट को, सारे पार्ट ना मैंने खाली सैंपल के रूप में एक्चुअली ए बी सी डी ई तक किया हुआ है, एफ तक किया हुआ है, तो आपको कोई भी एक पार्ट होगा, तो फिर ये अंदर का ये क्या है, ये आपका पोलर न्यूक्लिया है ना, तो अच्छी तरह करो, क्योंकि थियरी में भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन थियरी, तो हम लोग वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दे रहे हैं आपको जो थियरी में भी आपको एक ऐसे यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आपको नेचुरली ओव्यूल का कॉमेंट, या ओव्यूल कौन सा है, एनोट्रोपोज ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल, ये हेडिंग हो गया आइडेंटिफिकेशन का, और फिर कॉमेंट में आपको ये लिखना है, साथ में जो जो पार्ट्स
आपको बोला होगा मतलब पार्ट्स, अभी लास्ट में आपको लिखना है पार्ट्स, ऐसा लिखे पार्ट्स, ए क्या है ना, बी क्या है, सी क्या है, जो भी होगा ओके, उसको आपको खाली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, करेक्टली। तो ए बी सी डी मतलब चार, दो या चार देखे, क्योंकि सफिशियंट टाइम 3 मिनट आपको मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हो गया स्पॉट बी, तो ध्यान देना स्पॉट बी में एनाट्रोपस ओवियल रखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्पॉट है स्पॉट सी, तो इसमें कौन से ऑप्शन है, स्पॉट सी कौन सा है, इसमें ह्यूमन ब्रेन, देखो ह्यूमन ब्रेन भी आपका टॉपिक है, उसमें ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट वैकेंसी आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में वैकेंसी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है, ओके। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स फंक्शन, ओके। तो देखो, तो ये जो आपका देखो मॉडल जो हमने प्रैक्टिकल में देखा था, यही मॉडल रखा जाएगा, सेम ऐसा ही रखा जाएगा, ओके। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई क्या है, स्पॉट सी मतलब ह्यूमन ब्रेन, ओके। तो इट इज ह्यूमन ब्रेन, तो या तो सेरिब्रम, या तो देखो उधर एरो रखा होगा, तो पहले पार्ट जो मेजर पार्ट है आपका दिख रहा है, ये मेजर पार्ट कौन है आपका, सेरिब्रम, ये छोटा पार्ट जो आपको इधर दिख रहा है ये सेरिबेलम, और फिर यहाँ पे जो पार्ट है ये आपका है मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, इसने तीन, तो इन तीनों पार्ट में से किसी एक पार्ट में यानी कि आपको लिखना है, तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड गिव इट्स फंक्शन, ठीक है। तो या तो ए नहीं तो बी नहीं तो सी, यानी कि बैच 3 है, ओके। तो एक बैच को अगर ए आ गया तो दूसरे को बी, ऐसा जरूर नहीं है, तीनों बैच को ए आ सकता है, तीनों बैच को बी आ सकता है, तीनों बैच को सी है, तो तीनों करके आना, ओके। तो अगर ए है तो आपको हाँ क्या लिखना है, सेरिब्रम सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, साथ में लिखना है किसका, ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये तीनों के साथ आपको ऐड करना है, यानी कि दिस इज सेरिब्रम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, सेरिबेलम ऑफ ह्यूमन ब्रेन या मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये लिखना नहीं भूलना हेडिंग में, अंडरस्टूड। तो फिर से यानी कि अगर आपको सेरिब्रम पे एरो दिया हुआ है, वो पेपर का एरो रहेगा, तो आपको लिखना है दिस इज सेरिब्रम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, बस सिंपल। सेरिबेलम है मतलब ये अंडरलाइन वाला पार्ट, मतलब आपको अलग अलग आ सकता है, ठीक है। सो तो कमेंट में देखो आपको, तो अगर आपको सेरिब्रम आइडेंटिफाई किया है तो आपको सेरिब्रम का लिखना है, अगर सेरिबेलम को आइडेंटिफाई बोला है तो सेरिबेलम के लिए, नहीं तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पूछा है तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का लिखना है, अंडरस्टूड, समझा, गॉट इट। तो खाली फंक्शन लिखना है, ओके, समझा। तो तीनों मत लिखो, अगर आपने सेरिब्रम पहचाना तो सिर्फ गलती मत करना, पार्ट होगा सेरिबेलम, आप लिखोगे सेरिब्रम तो आपको 0 मिलेगा एंड 2.5 मार्क्स विल बी अलॉटेड टू योर व्हाट स्पॉटिंग, तो ठीक से करना, ओके। और अगर गलती हो रही है, समझ नहीं रहा है, तो बी यू कैन से, हम लोग खाली आपको हिंट दे देंगे, इतना ही कर सकते हैं, ओके। आपको डिक्टेट कुछ नहीं होगा, आपको खाली हिंट देंगे कि भाई गलत है, जैसे आपने अगर आपने कैसे इतना किया होगा कि सेरिबेलम लिख दिया होगा लेकिन आपको सेरिब्रम लिखना, तो हम लोग आप बोलेंगे कि नहीं ये रॉन्ग है, सेरिब्रम है, इतना खाली आपको बोलेंगे, वो भी अगर एक्सट्रीम कंडीशन होगा, बहुत कम मार्क्स होंगे आपको मिल रहे होंगे तो ही आपको हेल्प करेंगे, हेल्प मतलब आंसर नहीं बताएंगे, ध्यान देना, फिर से दिमाग में डाल दो, ठीक है। चलो स्पॉट डी में कौन से एक्सपेरिमेंट आएगा, इसमें होगा परमानेंट स्लाइड टीएस ऑफ टेस्टिस होगा, ओरिया ब्लास्टुला। अब देखो अभी प्रैक्टिकल में ना हमने स्लाइड्स देखे थे, अब यहाँ पे वही डायग्राम जो आपने मैंने कैसे ड्रॉ जो हमने जर्नल में ड्रॉ किया है वही डायग्राम मैंने बनाया है, उसमें आपको टेस्टिस ओवरी और ब्लास्टुला, देखो थ्योरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है ना, अंडरस्टूड। तो तीनों में से कोई एक आएगा हर स्टूडेंट को, यानी कि डी में आपको है परमानेंट स्लाइड टेस्टिस का, और पूरा हेडिंग टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ ब्लास्टुला लिखना है। तो ये क्या है, देखो आइडेंटिफाई करो क्या, ये आपका टीएस ऑफ टेस्टिस, तो आइडेंटिफिकेशन है टीएस ऑफ मेमेलियन टेस्टिस, ठीक है, कुछ लेवल वगैरह नहीं रहेगा, ध्यान देनो यही, और यही अगर आपको थ्योरी में भी अगर क्वेश्चन आ गया टेस्टिस का, तो यही डायग्राम आप बनाओ, ठीक है ना, एक सिंगल सर्कल भी बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, और उसका कमेंट जो आपके जर्नल में भी आप लोगों ने लिखा है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। ये लिखना है मेन वर्ड्स, अगर आपको सेंटेंस नहीं आ रहा तो मेन वर्ड्स भी आप लिखोगे तो भी बहुत है बच्चों, ओके, अंडरस्टूड। तो 5 पॉइंट दिया, 5 में से आपको कोई भी 4 ठीक से लिखना है, ओके। फिर दूसरा क्या है, देखो क्या है, ये दिख रहा है एकदम सिंपल, ये ओवरी, ओवरी के अंदर आपको क्या दिख रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिख रहा है, तो ये अगर रखा होगा तो आपको आइडेंटिफिकेशन क्या है, टीएस ऑफ मेमेलियन ओवरी, ठीक है ना, वेरी सिंपल। और ये है आपका व्हाट, कमेंट में भी देखो 5 पॉइंट्स है, ओके, तो 5 पॉइंट ठीक से करो, ओके। और देखो थ्योरी के एग्जाम में भी ये अगर आपसे अगर आपको आ गया 2 मार्क्स के लिए टीएस ऑफ मेमेलियन ओवरी लिखो, तो यही पॉइंट आप लिख सकते हो, ओके, अंडरस्टूड, यही पॉइंट लिख सकते हो,
लेकिन प्रैक्टिकल में जो भी हमने आपको दिया है वही कंटेंट आप लिख सकते हो। इवन साल्विया मेज उसका भी आपके बोर्ड एग्जाम थियरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। ओके अंडरस्टूड। फिर ये क्या है देखो, सबसे सिंपल ब्लास्टुला। ओके तो बस ये तीन डायग्राम को ध्यान देना। ओके तो ये वीएस मैमिलियन ब्लास्टुला और ये है आपका व्हाट कॉमेट में। ब्लास्टुला शोज आउटरमोस्ट फ्लैटेंड सेल्स, है ना। तो 5 पॉइंट इधर भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार मैं फिर से रोल करता हूँ। ओके सब गॉट इट बच्चों, अंडरस्टूड। एक मिनट आपको एक बार फिर से स्पॉट्स दिखा देता हूँ। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स टू स्कोर 30 out of 30 सबको मिलना चाहिए। ओके और ये आपको मैं शेयर करूंगा आज ही। ओके और कोई भी चेंजेस लास्ट में जाने से पहले कोई भी चेंजेस अगर आएगा प्रैक्टिकल टाइम पे ऑन द स्पॉट हमको बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके अचानक कुछ होगा तो आपके एक ऐसे ग्रुप में हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है तो टेंशन मत लो। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं स्लाइड वाइज। देखो स्पॉट ए, अगर स्पॉट ए में बैठे हो या तो आपको ये मेज का बॉटल मतलब ये एक जार मिलेगा तो मेज लिखना है, नहीं तो आपके सामने रखा होगा हिबिस्कस का फ्लावर या तो फोटो अगर अवेलेबल होगा तो सेल्विया का फोटो रहेगा। ठीक है तो आपको सेल्विया लिखना है। ठीक है ब्रैकेट में चाहिए तो आप हिबिस्कस लिखो चलेगा। ये स्पॉट ए। स्पॉट बी में आपको बोला ओव्यूल का डायग्राम रहेगा और कुछ पार्ट्स को लेबल किया जाएगा ए बी सी डी करके, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है स्पॉट बी में। देखो स्पॉट बी में एक ही है। स्पॉट सी में आपको ब्रेन का एक एनसी वॉट आपका मॉडल रखा होगा और उस पर एरो पॉइंटर रखा होगा पेपर का ए बी सी, तो जो पार्ट आपको एक एनसी एरो पॉइंट से दिख रहा है उसी के बारे में आपको लिखना है। ए मतलब हो गया आपका सेरिब्रम, बी हो गया सेरिबेलम, सी हो गया आपका मिडल ऑफ लोंगेटा। ठीक है और आपका डी में आपको देखो टेस्ट या तो टेस्टिस का पिक्चर रहेगा, तो ये हो गया टेस्टिस का पिक्चर, ये हो गया ओवरी का पिक्चर और ये हो गया आपका ब्लास्टुला के पिक्चर। वेरी सिंपल। ओके समझो बच्चों। ओके बच्चों बेस्ट ऑफ लक एंड प्रिपेयर। ये सब चीजें जो है ये कम से कम एक दो फुल स्केप में अगर आप राइटिंग पार्ट भी आप करेंगे ना और थोड़ा सा ये डायग्राम को आप थोड़ा सा आउटलाइन करके बनाओ कि भाई ये डायग्राम है, योर प्रिपरेशन विल बी ओवर। ओके ठीक है तो बेस्ट ऑफ लक, सी दैट यू शुड नॉट मिस दिस एजेंसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है तो प्रोजेक्ट का तो नेचुरली आप सबने अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है ठीक से लिखा है, अभी भी आपके चांस है प्रोजेक्ट को थोड़ा डेकोरेट करो, डेकोरेट मतलब उसको बॉर्डर वगैरह डालो, हेडिंग्स को अच्छा करो ताकि कैसे आपको फुल 5 मार्क्स मिले। नहीं तो कैसे अच्छा अगर लिखा होगा ओके तो फुल 5 मार्क्स मिलता है, नहीं तो थोड़े मार्क्स आपको कट करने पड़ेंगे क्योंकि अगर ठीक से नहीं लिखा है ओके रॉन्ग है तो फिर थोड़े से 1-2 मार्क्स आपको कम मिल सकते हैं। तो इसके लिए अभी भी चांस है प्रोजेक्ट को ठीक से उसको थोड़ा सा डेकोरेट करो, उसका जो फोटो अगर आपने चिपकाया है तो उसको क्या करो थोड़ा सा डेकोरेट करो। ठीक है ये वाइवा तो सिंपल है बच्चों, है ना। वाइवा में फर्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके बच्चों बाय बाय, टेक केयर।